सका पंडुका धाम में 23 अप्रैल को होने वाले में जो तैयारी चल रही थी, जिसमें बताया गया है कि कुछ लेबर के द्वारा कि बाहर के दो लड़के आए और उन्होंने आग लगा करके पीछे की तरफ से भाग लिए, कुछ उन्होंने फेंका है आग, और इससे अभी पुलिस सूट करेगी। मुझे मैं तो बाहर था, मैं अभी भी आया हूँ, देखा कि पूरा फैसला हो गया जल गया, लेकिन कल यह प्रारंभ होने वाला है। व्यवस्थाएँ मनी के पास बनेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये व्यवस्था शासन प्रशासन करना चाहिए। जब हमने जानकारी दी, सूचना दी कि हमको एक मशीन की आग लगाने वाली मशीन की व्यवस्था कराई जाए, मैंने सबको बताया गया, सूचना भी दी, पत्र में भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आप सबसे आग्रह निवेदन है कि इसको सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन मदद करे, सहयोग करे, क्योंकि ये राष्ट्र का लोक कल्याण जनहित में आयोजन है, इसमें आप सब ये पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। कल से कलश यात्रा थी, यहाँ दो संतों के लिए रुकने की कुटियाँ थी, और जो पंडोकर धाम का जो हमारे पीठाधीश्वर हैं श्री गुरुचंद जी महाराज, उनका आवास था, उनका साधना का भी स्थान था, और पंडोकर धाम जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कार्यालय का भी एक हिस्सा था, जिसमें अलमारियाँ थी और काफ़ी रिकॉर्ड था, बहुत सा सामान था, बहुत क्षति हो गई है। इसमें भक्तों के सहयोग से आपको बहुत दूर क्षेत्र में जाने से रोक लिया गया है, परंतु काफ़ी नुकसान हो गया है, आप देख रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं, परंतु पूरा सब कुछ जल के खाक हो गया है।